एनसीईआरटी बेस्ड है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इवन मैथ्स भी बहुत ज्यादा इजी है। मैथ तो पूरा इजी है, कल के पेपर में भी कहा जा रहा है। और कोई पेडागोजी, कोई क्वेश्चन? पेडागोजी भी बहुत इजी आई है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से नए आज एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों अभी मैं दिल्ली सेंटर पे हूँ, विद्यार्थी धीरे धीरे अभी एग्जाम देकर निकल आ रहे हैं और आज 25 फरवरी है। विद्यार्थी जानेंगे आज का पेपर कैसा रहा है। कैसा पेपर आ रहा है? बहुत इजी पेपर लगा मुझे। इजी आ रहा है, सब कुछ प्राइमरी की बुक से पूछा हुआ है, एनसीईआरटी से। हाँ जी, बहुत इजी पेपर इजी आ रहा है। हाँ जी, प्रश्न जो ईवीएस का जो प्रश्न है, कौन सा चैप्टर से आ रहा है कुछ बता सकते हैं? एग्जैक्टली मुझे तो ऐसा लगता है शायद जो सीटेट में पूछते हैं और जो डीएसएसबी में आती है, यानी कि सीटेट लेवल के प्रश्न आ रहे थे काफी हद तक। काफी मतलब इजी आ रहे हैं आपका कहना है, और शायद मैंने डीएसएसबी की प्रिपरेशन की हुई है तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए ज्यादा इजी लग रहा है। अच्छा, मैथ का क्वेश्चन कैसा आ रहा है? इजी थे, एग्जैक्टली बिल्कुल जो एनसीईआरटी में बच्चों को हम 8 तक पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया। कंप्यूटर का? कंप्यूटर एक्चुअली मैं थोड़ा उसमें वीक हूं। अच्छा, हिंदी का? हिंदी भी इजी थी बिल्कुल। ओवरऑल अगर पेपर का बताऊं तो कहा जाए मतलब सही पेपर आ रहा है, पेपर अच्छा आया था। चलिए, कहाँ से तैयारी किए थे? जी कहाँ से तैयारी किए थे आपने? खुद सर। एग्जैक्टली। चलिए तो चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? इफ्रा। कहाँ से? यमुना। चलिए धन्यवाद। विद्यार्थी का कहना है कि पेपर अच्छा आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। मॉडरेट था। मॉडरेट था। कह रहा कि इजी बुरा आ रहा है मैथ का क्वेश्चन? नहीं, मैथ भी इजी था, ईवीएस थोड़ी सी टफ थी। ईवीएस टफ थी। हाँ, अच्छा ईवीएस का ये बताइए, विद्यार्थी बार बार कमेंट करके बोलते हैं कि ईवीएस का जो चैप्टर है जहाँ से प्रश्न आ रहा है वो विद्यार्थी से पूछिए, तो आपसे पूछना चाहेंगे चैप्टर कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है? मतलब ज़्यादा तो एक तो जो खरीफ फसल और रवि की फसल होती है उसमें से था। देखिए ईवीएस का जो खरीफ फसल रवि फसल वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इनका कहना है। हाँ, उसमें से बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन। लेकिन ईवीएस क्वेश्चन थोड़ा करा घुमा के पूछा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा राउंड फिगर। और बाकी का हिंदी का सही रहा है? हिंदी वो तो इजी है और सब तो। हिंदी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रशांत। चलिए ठीक है। और भी क्या नाम हुआ? अंजलि। कैसा पेपर आज का? ठीक था। ठीक था। प्रश्न का प्रश्न कहाँ से आ रहा है? इधर आ जाइए। कौन से सब्जेक्ट में? ईवीएस का। ईवीएस का 3rd to 5th की जो बुक है उसमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमा कर दे रहे हैं वो। यानी कि घुमा के पूछा जा रहा है? डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, जैसे सीटेट में डायरेक्ट पूछता है तो इसमें घुमा के दे रहे हैं। कौन सा चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है ईवीएस का? ईवीएस का फसल को लेके आ रहा है ज़्यादातर, और जैसे असम में चावल को कौन क्या बोला जाता है ऐसे करके पूछा जा रहा है। खरीफ फसल रबी फसल से आ रहा है। हाँ, फसलों से। और कोई मैथ का कोई क्वेश्चन? मैथ कैसा आ रहा है आज के पेपर में? मैथ ठीक है, मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, मैथ इजी है। हाँ, ठीक है। और भी हिंदी का क्वेश्चन? हिंदी में रिमझिम से 5-6 क्वेश्चन है। रिमझिम से भी आए? दोस्तों देख लीजिए, कहा जा रहा है 21 फरवरी का जो ऐसा रिमझिम से आया था, आज भी रिमझिम से प्रश्न आ रहे हैं, इनका कहना दीदी का। हाँ। अच्छा, और बाकी जो पैराग्राफ है वो भी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, इजी है। कहाँ से तैयारी करेगा? हो जाएगा तैयारी कहाँ से करेगा? रिमझिम की बुक, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। कहाँ से आपने तैयारी किया था? मैंने तो टीएन कॉलेज पंजाबी बाग में है, वहाँ से कोचिंग ली है। अच्छा, आपने कोचिंग से पढ़ाई किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये आपकी माता जी है? मम्मी है मेरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी माता जी को साथ में आए हैं। चलिए दीदी बोल रही, क्वेश्चन जो इजी आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है।